नमस्कार, सुमन्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू चना चाट। आलू चना चाट बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप काले चने लिए और उनको हमने 8 से 10 घंटे पानी में सोक कर दिया था। और उसके बाद 2 कप पानी में 1 चम्मच नमक ऐड करके इनको हमने बॉईल किया है 5 से 6 सीटी आने तक। और अब हमने इनका पानी निकाल दिया है, तो अब ये चने अच्छे से बॉयल हो गए हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं आलू चना चाट। 1 छोटा चम्मच ऑयल डाल देंगे। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। ऑयल गर्म हो गया है तो अब हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा ऐड करेंगे और बॉयल चने डाल देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। चनों को हम 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे। हमने इन्हें बॉईल किया हुआ है तो हम इसको ढककर नहीं पकाएंगे, हम इन्हें थोड़ा क्रिस्पी करेंगे, थोड़ा करारा होने देंगे। और अब 3 से 4 मिनट हो गए हैं, चने अच्छे से पक चुके हैं और ये क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इन्हें हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। चने अब थोड़े ठंडे हो गए हैं तो अब हम चाट बनाना शुरू करते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा प्याज जिसको हमने बारीक बारीक काट ली है, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ कच्चा आम और 1 उबला हुआ आलू जिसको हमने काट लिया है, 1 छोटा चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच नमक। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच इमली की मीठी चटनी। और 1/2 नींबू का रस ऐड करेंगे। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इन्हें मिक्स करने के बाद अब हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आलू चना चाट तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसे ज़रूर बनाएं, खाएं, खिलाएं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।